हेलो स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के अंदर हम एसिडिटी की बात करने वाले हैं, जिसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे। तो उससे पहले बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो इफेक्ट कैसे होती है वो जानना जरूरी है। तो उसके लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो फर्स्ट वो जाके चेक कर ले। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्डर हमें याद रखना है, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई, ग्रेटर देन प्लस आई और ग्रेटर देन प्लस एम। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, रिलीजिंग ग्रुप जो है वो स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो फर्स्ट फर्स्ट बेंजोइक एसिड में पैरा पोजिशन के लिए COOH, COOH, सबकी पैरा पोजिशन के लिए हम डिफरेंट ग्रुप जो है वो रखेंगे। तो अब इन चारों में फर्स्ट यहाँ पे क्लोरीन, सेकंड में NO2, थर्ड के लिए CH3 और फोर के लिए OH ले लेते हैं, या OCH3 भी ले सकते हैं, दोनों सेम इफेक्ट दिखाते हैं। फर्स्ट क्लोरीन की बात करें तो उसमें माइनस आई इफेक्ट, NO2 माइनस एम इफेक्ट, CH3 प्लस आई इफेक्ट और OH और OCH3 दोनों में प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होती है। तो सीधा इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो हमें एसिडिक ऑर्डर जो है वो हमें मिलेगा, दैट इज 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन 4। तो ये वाला ऑर्डर हमें मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर, अब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करेंगे, उसे अगर हम ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन में अटैच करें, तो फर्स्ट बेंजोइक एसिड, सेकंड COOH ऑर्थो पोजीशन में ले लेते हैं NO2, थर्ड इसी तरह COOH और मेटा पोजीशन के लिए NO2 और फोर नंबर COOH और यहां पे ले लेते हैं पैरा पोजीशन के लिए NO2। अब इन चारों की बात करें तो फर्स्ट याद रखना है इन चारों में पहले चेक करना है बेंजोइक एसिड के लिए, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ हमें देखनी है तो फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट को देखना है। तो इन चारों में देखें तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट है, तो फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो फर्स्ट ये आएगा। अब बात करते हैं इन तीन में, NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, यानी कि ये वाला जो है वो लास्ट में आएगा। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो इन दोनों में देखें तो मेटा पोजिशन के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं मिलता, M=0, तो यहां पर आएगा ओनली माइनस है। और इसमें देखें तो दोनों आएगी माइनस एम एंड माइनस आई, तो ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है इससे। तो अब ऑर्डर देखें तो फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट वाला, यानी कि सेकंड नंबर, उसके बाद देखें इन दोनों में तो ये आएगा माइनस एम और माइनस आई दोनों हैं, तो फोर नंबर, फिर ये आएगा थ्री नंबर और सबसे लास्ट में आएगा बेंजोइक एसिड, यानी कि 1 नंबर, तो ये ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद देखते हैं इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम रख देते हैं, तो फर्स्ट बेंजोइक एसिड, सेकंड इसी तरह से COOH और यहां पे हम ले लेते हैं दैट इज CH3, इसी तरह मेटा पोजीशन के लिए COOH यहां पे CH3 और लास्ट एक पैरा के लिए COOH
और यहां पे ले लेते हैं CH3। अब CH3 ग्रुप के लिए बात करें तो फर्स्ट पहले ऑर्थो वाला, तो ऑर्थो इफेक्ट तो ये सबसे पहले आएगा। अब बात करते हैं CH3। CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो प्लस आई इफेक्ट होगी तो एसिडिक स्ट्रेन को वो कम कर देगा, यानी कि इस कंडीशन में इन दोनों से ज्यादा ये वाला होना चाहिए, यानी कि बेंजोइक एसिड जो है वो इन दोनों से ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा ये होगा। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो इन दोनों में देखें तो CH3 जो है वो यहां पे दिखाएगा ओनली प्लस है क्योंकि मेटा पोजीशन है, लेकिन पैरा पोजीशन की बात करें तो याद रखना है यहां दो इफेक्ट मिलेगी, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिलेगा बिकॉज ऑफ CH3 जिसके लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो इसमें प्लस आई और प्लस एच दोनों होगी। डेंसिटी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों में जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो एसिडिक स्ट्रेन को बढ़ा देगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लस आई और प्लस एच दोनों इफेक्ट होने के कारण एसिडिक स्ट्रेन जो है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए ऑर्डर देखें तो एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट वाला, सेकंड बेंजोइक एसिड, इन दोनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो या ओनली प्लस आई वाला यानी कि 3 नंबर, और लास्ट में आएगा दैट इज 4 नंबर, तो ये वाला ऑर्डर हमें मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर, अगर हम इसमें OH ग्रुप की बात करें इसी तरह COOH यहाँ ऑर्थो पोजीशन के लिए ले लेते हैं, फर्स्ट COOH यहाँ पे OH, सेकंड इसी तरह COOH और मेटा पोजीशन पे ले लेते हैं, और लास्ट वाला इसी तरह COOH और पैरा पोजीशन के लिए लेते हैं OH। अब इन चारों स्ट्रक्चर में फर्स्ट फिर से ऑर्थो, तो ऑर्थो वाला पहले देख लेना है। अब बात करते हैं इन तीनों की, ये वाला याद रखना है कि ये वाला जो एग्जांपल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। OH की बात करें तो OH में प्लस M और माइनस I दोनों इफेक्ट होती है, यहां देखें तो यहां मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक नहीं मिलेगी यानी कि इसमें ओनली माइनस आई, यहां बात करें तो दोनों मिलेगी, लेकिन ये याद रखना है कि OH के लिए माइनस आई से ज्यादा प्लस M होती है, यानी कि प्लस M इफेक्ट इतनी ज्यादा होती है कि माइनस आई इफेक्ट उतना प्रभाव नहीं रख सकती, तो उस कंडीशन में प्लस M ज्यादा होगी तो वो जो स्ट्रेंथ जो है उसे कम कर देगा, तो उस कंडीशन में COOH जो है उससे भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो एसिडिक ऑर्डर देखें तो इसके लिए एसिडिक ऑर्डर फर्स्ट ऑर्थो वाला यानी कि सेकंड नंबर, उसके बाद ओनली माइनस है, और इन दोनों की बात करें तो याद रखना है माइनस आई है इसमें लेकिन प्लस एम इतनी ज्यादा होती है कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, यानी कि ये पहले आएगा तो 1 नंबर और उसके बाद 4 नंबर, तो ये इस तरह मिलेगा। इसके बाद अगर ऐसा हो कि ऑर्थो इफेक्ट एक से ज्यादा स्ट्रक्चर के लिए हमें मिले तो उसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस तरह अगर स्ट्रक्चर दिए हैं COOH ऑर्थो पोजीशन के लिए यहां पे CH3, इसी तरह COOH अगर यहां पे है NO2, इसी तरह COOH यहाँ पे है क्लोरीन और एक है बेंजोइक एसिड। तो फर्स्ट इन चारों की बात करें तो इन तीनों में ऑर्थो इफेक्ट है, इसमें नहीं है तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अब बात करते हैं इन तीनों की, तो इन तीनों में CH3 जो है इसमें हमें मिलेगी प्लस आई इफेक्ट, NO2 जिसमें होती है माइनस एम इफेक्ट,
और माइनस आई दोनों होती है। सीएल की बात करें तो उसमें ओनली माइनस है। तो इसके बेसिस पे देखें तो एसिडिक ऑर्डर फर्स्ट माइनस एम और माइनस आई दोनों है तो सेकंड नंबर आएगा, उसके बाद माइनस आई वाला पहले आएगा तो थ्री नंबर। अब याद रखना है इन दोनों में, इसमें प्लस आई इफेक्ट है लेकिन ये ऑर्थो इफेक्ट भी है, तो ऑर्थो इफेक्ट पहले आएगी तो इसके लिए आएगा वन नंबर, और सबसे लास्ट में आएगा दैट इज बेंजोइक एसिड फोर नंबर। अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल, अगर एक से ज्यादा बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें मिले तो उसके लिए बात करते हैं। सी डबल ओ एच, यहाँ पे ओ एच सेकेंड, इसी तरह सी डबल ओ एच, दोनों तरफ ओ एच मिल जाए इस तरह। थर्ड नंबर अगर यहाँ पे सी डबल ओ एच और यहाँ पे हो सी एस थ्री, और एक इस तरह सी डबल ओ एच, और अगर पैरा पोजिशन के लिए ओ एच। तो इस तरह अगर चार स्ट्रक्चर हमें दिए हैं तो इसमें अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट को हमें चेक करना है। तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, यानी कि ये सबसे लास्ट में आएगा। अब बात करते हैं इन तीनों के, इन तीनों में देखें तो ये सी एस थ्री है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, इसमें और इसमें देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है, इसमें इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, यानी कि इसके लिए अगर हम बात करें तो एस आई आर इफेक्ट हमें मिलता है, और साथ में ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट जो मिलती है वो भी ज्यादा होती है यानी कि मोर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी बात करें तो इसके लिए ऑर्थो इफेक्ट हमें मिलता है लेकिन कम होता है यानी कि लेस, और इसके लिए देखें तो इसके लिए भी हमें ऑर्थो इफेक्ट मिल रहा है लेकिन सबसे कम होता है यानी कि वेरी लेस। तो इन तीनों की बात करें तो फर्स्ट सबसे ज्यादा इसमें है तो ये पहले आएगा, तो एसिडिक ऑर्डर जो है वो हमें मिलेगा सेकंड नंबर, उसके बाद लेस तो फर्स्ट नंबर, उसके बाद वेरी लेस तो ये थ्री नंबर, और जिसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं है वो आएगा फोर नंबर वाला। तो इस तरह से हमें मिलेगा। तो ये हमने देखा है एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।